हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल रात की आप दोनों की फीलिंग्स, क्या कुछ आप सोच रहे थे एक दूसरे के लिए, ठीक है? आपको ओपन वाले की रीडिंग को देखना चाहिए था, ध्यान नहीं देना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे और जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? और जैसे कि कमेंट में बहुत सारे लोगों का, मतलब 2-3 लोगों का कमेंट मैंने कल पढ़ा था जो कि बोल रहे हैं कि बस वेट एंड वॉच करो, कब से सुन रहे हैं, ठीक है? तो गाइज, इसका सिंपल मतलब यही है कि आपके साथ रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा है। जो मैं आपको बताती हूँ वो आपके साथ रेजोनेट होता है, मतलब वो आपके साथ हुआ है। तो आउटकम मैच क्यों नहीं हो रहा है, आपको ये जानने के लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ती है कि आखिर आपकी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई कर दीजिए। वहाँ पे जो आपको अलग अलग कॉल के डिटेल्स मिल जाते हैं कि आप कितने मिनट का कॉल बुक कर सकते हो, आपको जो अफोर्डेबल लगे वो कॉल आप बुक कर लीजिए, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करवा दूँगी, ठीक है? जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आखिर आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? अब मैं कमेंट में आपको हर एक को तो रिप्लाई नहीं कर सकती ना कि क्यों आपके साथ आउटकम मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यस, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है आप दोनों की कल रात की ट्रू डी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, क्या कुछ सोच रहे थे, ठीक है? देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। ट्रू मैसेज इन यूनिवर्स, हमें मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए और उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स है, ओके? ये आपका कारण है, आप कल रात क्या कुछ सोच रहे थे आपके पार्टनर के लिए। ऊपर के कार्ड जो आपके हैं और नीचे के जो आपके पार्टनर के रहेंगे, ठीक है? ये आपके कार्ड से नीचे के कार्ड जो है आपके पार्टनर के, देखते हैं आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे थे कल रात आपको लेके। बॉटम में फ्लॉरिंग, तो यस डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा लुक आपका उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? आपको इस तरह से ग्रो करते देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ना आपका लुक अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है? आपकी बॉडी उनको आंखों के सामने बहुत ज़्यादा इस तरह से देखो, ये कितनी अट्रैक्टिव लेडी है, सेम इस तरह से आपको इमेजिन कर रहे थे, आपकी बॉडी को मतलब मिस कर रहे थे कि आपका फेस कितना ब्यूटीफुल है, आपकी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव है और आप कितना ग्रो करते हो, जब आप स्माइल करते थे तो आप कितना ब्यूटीफुल दिखते थे, ये सब कुछ उनको कल याद आ रहा था। आपकी वॉइस सुन रहे थे, उनको आपकी वॉइस सुनाई देती है, ठीक है? जैसे आप पहले बातें करते थे वो लिटरली आपको सुन पाते हैं, भले उनके पास कोई आपकी रिकॉर्डिंग भी ना हो, ठीक है, फिर भी उनको आपकी आवाज़ सुनाई देती है। और वही वो रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है? जैसे कि इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, इस बर्डन से उनको निकलना है, निकलने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं जो कि निकल नहीं पाते, ठीक है? भगवान के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, आप देख सकते हो सैड एनर्जीज है, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा बैड फील होता है, रोना आता है, बुरा लगता है और एक अकेलापन सा इनके अंदर छाया हुआ है, ठीक है? रात को बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को लेके सोच रहे थे कि इस अकेलेपन से मैं किस तरह से मतलब दूर हो सकता हूँ और कभी अकेलापन जो है फिर से आपके साथ ये प्यार वाला शेयरिंग इनके साथ बन जाता है, ठीक है? आपके साथ रीयूनियन करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपके जो भी पार्टनर है बहुत स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ऑल साइंस रीडिंग होती है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी बात करूँ तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप पॉलिटिक्स से आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, और जैसे कि परसों की कल की रीडिंग पे भी यही कुछ आया था, ठीक है? जैसे कि एनर्जी इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती, तो आप एक दिन में इतने खुश भी नहीं हो सकते, राइट? तो आप बहुत ज़्यादा सैड तो हो लेकिन दुनिया को आप दिखाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपके पार्टनर भी आपको देख पाते हैं तो उनको भी यही दिखाई देता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, जो देख के उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जब जब इन्होंने आपको रात को स्टॉप किया है, आपका वीडियो स्पीक जो भी देखा है, तब उनका जो है माइंड बहुत डिस्टर्ब हुआ है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हुआ है और इनको ना मतलब अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उनको इस तरह से लग रहा है कि कोई जो है उनको ना
जानबूझ के तकलीफ दे रहा है, और जैसे कि आप जानबूझ के ये सब कुछ कर रहे हो, अगर आप कुछ कर रहे हो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो या फिर शो ऑफ कर रहे हो किसी चीज़ का, तो जो है इनसे देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। और ऊपर से आपका एनर्जीज भी सैड है, आप शो करते हो कि आप हैप्पी हो जो कि हो नहीं, ठीक है। आपके पार्टनर का उसके ऑपोजिट है, स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई है। आपका है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हो, ब्राइट फ्यूचर उनके साथ महसूस करना चाहते हो, फिर से जीना चाहते हो, लेकिन आप जो है मेहनत कर करके थक चुके हो इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आप सेलिब्रेशन चाहते हो आपके पार्टनर के साथ, इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, और बार बार आपको जो है थर्ड पार्टी का ख्याल आ रहा था कि काश ये थर्ड पार्टी ही ना एंटर हुई होती तो आपका रिश्ता कितना अच्छा हो सकता था, ठीक है। आप डेफिनेटली दिल से अपने पार्टनर के साथ क्रिएटर मतलब क्रिएट करना चाहते हो अपनी दुनिया, अपना गॉड को लिटरली बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो कि गॉड प्लीज़ कुछ भी कर दे, मेरा ये रिलेशनशिप स्टार्ट कर दे। आपको इस रिश्ते की बिगिनिंग करनी है, जैसे कि ये इंसान देखो किस तरह से यहाँ से पानी निकल रहा है और यहाँ पर डाल रहा है, पानी मतलब इमोशंस। आप अपने इमोशंस को जो है आपके दोनों साइड के इमोशंस मतलब प्रैक्टिकल और इमोशनल जो दोनों साइड रहते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, आपको दोनों साइड जो वो बैलेंस है इस वक्त, ठीक है। मतलब आपके अंदर ज़रा सा गुस्सा भी है और ज़रा सा प्यार भी है, 50-50 है, आपके दोनों साइड बैलेंस हो चुके हैं, इसलिए आप जो है दिल से गॉड को प्रे कर रहे हो। मतलब आपको ना उनको भी फील कर पाते हो, आपके जो भी पार्टनर है ना आप उनको भी फील कर पाते हो कि मतलब उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये आप समझ पाते हो, और फिर आप अपनी तरफ से उनके बारे में सोचते हो, फिर खुद के बारे में सोचते हो। इसी को कहते हैं मेल फीमेल साइड बैलेंस होना। आपका मेल फीमेल साइड बैलेंस हो चुका है, आप दिल से इस रिश्ते के स्टार्ट बिगिनिंग की मतलब गॉड से उम्मीद कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, ठीक है। रात को आपने यही सब कुछ किया है, क्रिएटिविटी करना है, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आप किस तरह से जाओ, किस तरह से स्टार्ट करूँ, ठीक है। आपके माइंड में मतलब रिलैक्स, अभी पहले क्या था आपका बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहता था, ठीक है, मतलब नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन कल रात आप बिल्कुल भी नेगेटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, बैलेंस बनाया है आपने अपने विचारों पे, आप सोच समझ के कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अवेयर हो रहे हो, आप अपने पार्टनर को कभी भी खोना नहीं चाहोगे, आप अपने पार्टनर को खोने का लॉस जो है झेल नहीं पाओगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है शायद थर्ड पार्टी को नहीं डिस्टेंस दे पा रहे हैं। आपका अभी माइंडसेट ऐसा होने लगा है कि अगर मतलब सच में अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर आपका ये जो रिश्ता है अगर थर्ड पार्टी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, उनके साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, आप उनको खोना भी नहीं चाहते, उनको खोने का लॉस आप झेल भी नहीं सकते हो। और आपका ये एनर्जी था कल रात का, वहीं पे अगर आपके पार्टनर की मैं देखती हूँ, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने पेशेंस बनाए रखे, ठीक है, आपको एक्शन लेना चाहते हैं। देख इनका कैसा है, अगर आप इनकी बातें नहीं मानोगे, अगर ये आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि हालांकि एक्शन है आपके लिए लेते नहीं हैं, इनका दिल बार बार करता है एक्शन लेने का, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनकी बातें जो नहीं मानोगे ना, इनको ना चाहते हुए ना इनको बार बार ना मूव ऑन करने का ख्याल आता है, ठीक है। इनका स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कि इनका हाल ऐसा है ना, यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी और आप हो, अगर ये थर्ड पार्टी को भी छोड़ते हैं ना तो भी इनकी जान जानी है, और आपको भी छोड़ते तो भी इनकी जान जानी है, इनको अच्छे से पता है, इसीलिए ना इनका मतलब आप बोल सकते हो कि इस यहाँ से निकलने के लिए आपको ऑफर भी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक कि ये साइड इनका बैलेंस नहीं होता है, जब तक कि ये यहाँ पे संभाल नहीं सकते अपने आप को, जब तक हर रोज़ की रीडिंग में भी यही निकल के आता है, जब तक ये थर्ड पार्टी को मैनेज नहीं कर पाते तब तक ये आपको ऑफर नहीं करेंगे। इनका आपको कमिटमेंट देने का दिल है, स्टेबल रिलेशनशिप देने का दिल है, शादी भी करना चाहेंगे, लेकिन उनको जो है रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इनकी फीलिंग्स ट्रू है, द हेरोफोंट का कार्ड है, जो कि एक मैरिड पर्सन रहता है और जो कि सामने वाले को जो है कभी भी इनजस्टिस तो नहीं करेगा और राइट ही गाइड करेगा, और अगर उसका उसमें भला है तो ही वो डिसीजन लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। मतलब अगर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके लिए एक्शन लेते हैं और अगर यहाँ पे आपका कुछ मतलब फ्यूचर ही नहीं है उसमें, ठीक है, तो ये चाह के हुए भी आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे और ना चाहते हुए मूव ऑन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनका इसी तरह से है, प्रैक्टिकल पर्सन है, इमोशनल नहीं होते हैं और दिमाग लगा के प्रैक्टिकली सोचते हैं। इनका बुद्ध मतलब बुद्धि जो है इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, रोते धोते नहीं है, ठीक है, तो बुद्धि का इस्तेमाल करके ही ये
आपके बारे में भी सोचेंगे, जैसे कि आपसे प्यार करते हैं तो आपको ऐसे तड़पते हुए जिंदगी भर तो नहीं रख सकते ना अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। तो ये सोचेंगे कि अगर मैं ऐसा सब कुछ करता हूँ तो क्या आपका उसमें कुछ फ़ायदा है, अगर इनको फ़ायदा नहीं दिखाई देता है ना। ये यहाँ पे देखो, ये जो इंसान जा रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्स से, दिल पे पत्थर रख के जाता है, मतलब ये जाना चाहता नहीं है लेकिन इसको जाना पड़ता है। तो यही आपके पार्टनर जो कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। एक ऐसे पर्सन है जो परिवार के बड़े हो सकते हैं, इनके ऊपर जो है हर एक जिम्मेदारी है, बड़े छोटे सबको इनको संभालना पड़ता है, ठीक है। जितना भी पैसा कुछ भी कमाए, इनको हर एक रुपया घर पे खर्च करना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ उठा उठा के थक चुके हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा द वर्डन, हर कोई इनके कंधे पे ऊपर आके बैठ जाता है, हर कोई इनसे अपनी डिमांड कंप्लीट कराना चाहता है और सब अपने मन मुताबिक इनको इस्तेमाल करते हैं। और यही पे आप देख सकते हो टेन ऑफ वैंड्स भी यही शो करता है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, अपने परिवार को संभालते उनकी जान जा रही है, आपके इस रिलेशनशिप का पास बहुत ज़्यादा रात को याद कर रहे थे, ठीक है। आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, अगर इनको आपका फायदा दिखता है तभी वो आपके लिए एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं। और ये एनर्जीज है, ठीक है, ये सोच है इनकी, इन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, ये बस सोचते हैं ऐसा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हो सकता है, ऐसा करता हूँ तो वो हो सकता है, ठीक है। दिल इनका बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो नाइट ऑफ फैंस, मतलब बहुत दिल कर रहा था इनका आपके लिए एक्शन लेने का, कॉल मैसेज करने का, ठीक है, लेकिन उन्होंने शायद किया नहीं है। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ सजेशन देना चाहते हैं, क्या कुछ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रू मैसेज दें एंजल्स हमें, इस सिचुएशन के लिए आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहोगे, ये जो भी सिचुएशन है इस सिचुएशन के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस निकलता है, हमें ट्रू मैसेज दें। इफ़ यू बिलीव, आपको बिलीव रखना है, ठीक है। अगर आपका बिलीव है आपके पार्टनर के ऊपर, अगर आपका बिलीव है आपके प्यार के ऊपर, अगर आप ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास करते हो तो इस रिश्ते में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस है, ठीक है। आपको अपना ट्रस्ट बिलीव बिल्कुल भी खोना नहीं है, ये रिश्ता आपको एंजल्स आपको बता रहे हैं कि रिश्ता डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आप इस तरह से रात को सोच रहे थे और आपके पार्टनर आपके लिए ऐसे सोच सकते होगे, ठीक है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ जो कुछ भी रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यस, डेफिनेटली अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई करना है, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।